दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इसी बात में परेशान और कंफ्यूज रहते हैं कि लक होता है या फिर नहीं होता है, इस पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। क्या है ये लक? क्या सच में ये काम करता है? अगर होता है तो कैसे काम करता है, और अगर नहीं होता है तो कैसे यकीन किया जाए? दोस्तों, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आया हूँ आज। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्लोबल थिंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में अगर कोई भी इंसान लगातार तरक्की कर रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि यार उसकी क्या बात है, क्या किस्मत लेके आया है। कुछ लोग तो उसको गाली भी देते हैं, कभी उस इंसान को तो कभी ऊपर वाले को। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एंट्रेंस एग्जाम में रैंक कर जाता है तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है वो यही बोलते हैं कि यार उसका लक काम कर गया। लक होता है या फिर नहीं होता है, इस सदियों पुराने विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात तो आज जरूर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान की सफलता लक या भाग्य का मोहताज नहीं होता, और किसी की भी असफलता का जिम्मेदार भाग्य नहीं होता। आपका लक आप खुद ही बनाते हैं, या तो जाने में या तो अनजाने में। आप हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, अरे यार हर सेकंड आप अपने लक को बना रहे हैं। अब ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप उसको कैसे बना रहे हैं। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप ऐसे ही चले जाते हो क्या? नहीं ना, पहले तो डिसाइड करते हो कि कैसे जाना है, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, वो साधन फिक्स करते हैं। फिर घर से कब निकलना है, वहाँ कितने बजे पहुँचना है, पहुँचने के बाद क्या क्या करना है, इवन क्या क्या शॉपिंग करनी है, आप हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं, माइंडसेट बनाते हैं, और जब फाइनली आप जाते हैं तो आप घूम कर भी आ जाते हैं और अपना काम करके भी वापस आ जाते हैं। मेरे दोस्त, वहाँ लक का ख्याल भी नहीं आता। अगर जाना है तो जाते हैं, नहीं जाना है तो नहीं जाते हैं। मैं कुछ दिनों के टूर के लिए, कहीं जाने के लिए हम लोग इतनी ढेर सारी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कहाँ जाना है इसकी प्लानिंग कौन करता है? क्या वो टूर आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? क्या आपके सपनों का, आपकी चाहतों का, आपके रिश्तों का, आपके उसूलों का, अरे यार आपके नाम का कोई कीमत नहीं है? अब आप ये जवाब देंगे कि हाँ है ना, क्यों नहीं है। अगर है तो क्या आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हाँ करी है मैंने अपनी लाइफ की प्लानिंग, मुझे सिर्फ पता नहीं, पूरा का पूरा भरोसा है अपने सपनों के ऊपर। अरे यार खोल के देख लो मेरी डायरी, तुम्हें एक एक दिन का हिसाब मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर मुझे कहाँ पहुँचना है और मैं क्या बनने वाला हूँ। अगर आप सच में ऐसा कहने की हिम्मत रखते हैं और सच में आप अपनी लाइफ को ऐसे ही प्लान करके रखे हैं ना, तो मेरे दोस्त आपको कोई नहीं रोक सकता। अरे यार आप तो अनस्टॉपेबल हो, लक आपका क्या बिगाड़ेगा, आपको इस लक से कोई लेना देना नहीं है, आप ज़रूर सफल होंगे। और हाँ, अगर आपने ये सारी प्लानिंग नहीं की है ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आप मुंह ताकोगे दूसरों का, कभी तो किसी सोर्स वाले इंसान का कि मेरा कहीं जुगाड़ लगवा दे, या फिर कभी लक का, यार कभी मेरी भी किस्मत चमकेगी। मेरे दोस्त, किस्मत चमकती नहीं है, चमकानी पड़ती है, अपने मेहनत से, अपने जुनून से, अपने खून और अपने पसीनों से। कोई लकी या अनलकी होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपकी प्लानिंग जितनी क्लियर होगी आप ज़िंदगी में उतना ही आगे जाओगे, फिर चाहे आपका लक काम करता हो या फिर नहीं करता हो। वो कहते हैं ना कि कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, मगर काबिलियत ज़रूर साथ देती है। तो मेरे दोस्त, आपको कागज़ की तरह नहीं, पतंग की तरह बनना है। हैं तो दोनों कागज़ ही, लेकिन कागज़ ने अपने आप को किस्मत के हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन पतंग ना पूरी प्लानिंग के साथ रहता है कि मुझे हवा के किस रूप के साथ कहाँ और कैसे जाना है। इसीलिए पतंग ना आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। तो प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त करिए कि कैसी भी परिस्थिति में आप तैयार रहें। फिर देखना मेरे दोस्त, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक न रुक ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो यार, इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि किसी की हेल्प हो सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे उत्साह मिलता है। और ऐसे ही अपने आप को मोटिवेशन से भरे रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द ग्लोबल थिंकिंग, और साइड में बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी प्यारी प्यारी दिल की बातों को नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.theglobalthinking.com, वहाँ पर मैं ब्लॉग्स पोस्ट करता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ, आदर्श पांडे, हैव अ ग्रेट डे।